अभी हम आए हुए बंजो सिटी की आन बान शान जिसे बोला जाता है, यहाँ पे हर जगह में कैमरा ये लोग अलाउ नहीं करते हैं, जहाँ जहाँ सकते हैं हम लोग देखेंगे, तो देखते रहिए। फ्रेंड्स अभी हम पाइमा सेंटर का ग्राउंड फ्लोर में है, यहाँ पे आपको 8-10 मंजिला है, लेकिन उसमें ज्यादातर आपको 5-6 मंजिला तो आपका वुमेन्स गार्मेंट्स का है। एक टाइम ऐसा था जब ये पाइमा सेंटर में आपको होलसेल ही मिलता था, पैंडमिक से पहले का मैं बात कर रहा हूँ, तब हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। अभी हम आए हुए हैं गंजौर सिटी की आन बान शान जिसे बोला जाता है पाइमा सेंटर, जो कि गंजौर रेलवे स्टेशन का एकदम साइड में है। आप गंजौर रेलवे स्टेशन आओ, किसी से भी पूछो कि हमको पाइमा सेंटर जाना है तो आपको आराम से दिखा देगा। तो अभी पाइमा सेंटर का हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे, यहाँ पे हर जगह में कैमरा ये लोग अलाउ नहीं करते हैं, जहाँ जहाँ करते हैं हम लोग देखेंगे, तो देखते रहिए पाइमा सेंटर। हेलो, अभी हम जिस फ्लोर में हैं यहाँ पे स्पेशली वुमेन वेस्टर्न आउटफिट का बहुत ही लेटेस्ट वर्जन मिलेगा, और यहाँ एक बात थोड़ा माइंड में रखी गया, होलसेल में मेन है, ये लोग रिटेल भी देते हैं लेकिन रेट थोड़ा महंगा है, और यहाँ बार्गेनिंग भी बहुत दबा के होता है। यहाँ पे टी शर्ट वगैरह है, यहाँ पे भी ये लोग होलसेल के साथ रिटेल भी करते हैं, और सबका सामने देखिएगा सेल में लगा हुआ है, 100 का 2-3 ऐसा कुछ लगा हुआ है, तो वहाँ से भी आप अगर रिटेल में कुछ लेना चाहें तो ले सकते हैं, और होलसेल में लेंगे तो उसका रेट भी अलग है, और उसका क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना क्वांटिटी में लेते हैं वही हिसाब से ये लोग आपको रेट देंगे। ऐसे मिनिमम क्वांटिटी 12 पीसेस का है, और उससे ज़्यादा लेंगे तो उसका भी रेट अलग। फ्रेंड्स अभी हम पाइमा सेंटर का ग्राउंड फ्लोर में है, यहाँ पे आपको ये जैसे 8-10 मंजिला है, लेकिन उसमें ज़्यादातर आपको 5-6 मंजिला तो आपका वुमेन्स गारमेंट्स का है, और उसका ऊपर आपको मेन्स गारमेंट्स का है। यहाँ आप लोग का किड्स वेयर में कुछ भी नहीं मिलेगा, अब आपको एडल्ट का ही है, और ख़ास करके यहाँ सबसे फेमस है आपका वुमेन्स वेस्टर्न आउटफिट, जो कि बहुत अपग्रेड वर्जन का है, जो कि आपको हम लोग का इंडिया के लिए थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन आप चाहे तो अपने हिसाब से देख के ले सकते हैं। एक टाइम ऐसा था जब ये पाइमा सेंटर में आपको होलसेल ही मिलता था, पैंडमिक से पहले का मैं बात कर रहा हूँ, तब कुछ कुछ दुकान आपको रिटेल में देता था, लेकिन अभी मैं पैंडमिक के बाद जो लास्ट ईयर आया था, तो लास्ट ईयर अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ का ब्लॉग नहीं बना पाया, थोड़ा बिजी था काम में, तो इस बार मैं स्पेशली टाइम निकल के बना रहा हूँ, तो इस बार मैं देख रहा हूँ कि हर जगह में आपको रिटेल का भी ऑप्शन। हाउ मच है ये जो लेडीज आप देख रहे हैं जो गारमेंट्स पहना हुआ है, 260 RMB का है, एंड दिस वन ये आपका 300 का है, कलर ऑप्शन आपका बहुत सारे हैं, बहुत ही अच्छा आपका ये दुकान। जो लेडीज पहने उसमें 3 कलर है, ये 2 कलर है, 3 साइज है इसमें, क्वालिटी वाइज तो बहुत ही बढ़िया। फ्रेंड्स यहाँ पे जो सेल्स गर्ल्स वगैरह है ये लोग बहुत ही फ्रेंडली टाइप का है, तो आपको यहाँ परचेस करने में अच्छा भी लगेगा, तो बहुत फ्रेंडली है, और आपका हर दुकान में तो आपको रिटेल लगभग मिल ही जाता है। ये देखिए यहाँ कैफेटेरिया टाइप का बना हुआ है, जो कि खाने पीने का जगह, वो भी दिखा देते हैं आपको, लेकिन
यहाँ पे आपको सब चाइनीज फूड ही मिलेंगे। कोई बड़ा ब्रांड तो मुझे नजर नहीं आया। फ्रेंड्स, कैफेटेरिया का ऊपर ही एक मतलब जिसे बोला जाता है पूरा फ्लोर तो नहीं है, मतलब एक फ्लोर के दो भाग में डिवाइड करके जैसे बनाया जाता है ना, उस टाइप का है। ये सारे 100 का है। ये आंटी जी बोल रहे हैं कि मुझे अपना दुकान का दिखाओ, तो थोड़ा दिखा भी देते हैं। ये आपका शॉप नंबर, आप आ सकते हैं। यार यूट्यूब यहाँ पे बैग्स का भी शॉप है, ये भी भाई साहब का। ये दुकान का नंबर। ये भाई साहब भी बोला कि मेरा दुकान को दिखाइए आप, तो दिखाते हैं। बहुत सारा आइटम है, थोड़ा बार्गेनिंग भी होता है। हेलो हेलो फ्रेंड्स, अगर आप बाइमा सेंटर आए तो थोड़ा सा टाइम लेके आए। यहाँ आपको मल्टीपल चॉइस है और बहुत सारा ऑप्शन है। अगर आप बिजनेस पर्पज में आए तो यहाँ पे आप टाइम निकल के आए और देखें, बहुत ऑप्शन है। अपना हिसाब से, अपना क्राइटेरिया के हिसाब से देख के बार्गेनिंग करके आप ये कर सकते। ये देखिए सामने दुकान। और फ्रेंड्स, आपको और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट बता देते हैं। जैसे हम लोग कल्चरल पार्क गए थे, वो 13 स्ट्रीट वाला जो मार्केट था, वहाँ पे भी हम लोग बहुत सारे कुछ परचेस किए देखे हैं। उसी तरह ये बाइमा सेंटर, लेकिन दोनों ही पॉश मतलब यहाँ कपड़े वगैरह मिलते हैं तो बढ़िया में, लेकिन दोनों का मतलब क्वालिटी और दोनों का जो स्टाइलिंग टोटली डिफरेंस है। तो आप अगर आए दोनों जगह, अगर बिजनेस पर्पज में आए तो मस्ट विजिट है। ले आपका बाइमा थोड़ा एक्सपेंसिव है और यहाँ थोड़ा बार्गेनिंग होता है, और आपका 13 स्ट्रीट में थोड़ा वहाँ बार्गेनिंग का ऑप्शन कम है, लेकिन बार्गेनिंग होता है, बहुत लिमिटेड होता है, और वहाँ भी बहुत अच्छा क्वालिटी का आपको। फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं 3rd फ्लोर, जो भी यहाँ भी आपका वुमेन्स का ही है। वुमेन्स का होलसेल का ऑप्शन यहाँ ज्यादा है, लेकिन रिटेल भी है थोड़ा बहुत। तो यहाँ का भी एक राउंड आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। फ्रेंड्स, आप जितना ऊपर की तरफ जाओगे, आपको ऐसा मतलब शोरूम टाइप का मिलेगा, जो कि अपना पूरा घेर के बनाया हुआ है। और जैसे हम लोग 1st फ्लोर में थे, 2nd फ्लोर में थे, वहाँ थोड़ा ओपन ओपन टाइप का दुकान है। 3rd फ्लोर जैसे आप 4th फ्लोर जाओगे तो आपको इस टाइप का दुकान मिलेगा। तो गर्ल्स का तो मोटा मोटी आपको लोगों को कलेक्शन में दिखा दिया, तो अभी मैं थोड़ा जेंट्स सेक्शन में भी जाऊँगा। एक ही बिल्डिंग में ही है, तो गर्ल सेक्शन का एक राउंड देखे हम अभी जेंट्स सेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे आपको जितना लेडीज नजर आ रहे हैं ना, नया कपड़ा पहन के, एक्चुअली ये लोग लाइव आपका जो मैनिक्विन का काम करते हैं। ये लोग जो भी प्रोडक्ट बेचते हैं वो अपना पहन के डिस्प्ले के लिए, कैसे आपको लगे आउटफिट पहनने के बाद, तो ये लोग डिस्प्ले के लिए दिखा देते हैं। जैसे ये लेडी पहने हुए हैं, सेम प्रोडक्ट ये लोग बेचते हैं, उसी का ही कोई भी आपको सेल्समैन या नहीं मिलेगा। मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स ये लोग वही गारमेंट्स पहनते हैं जो ये लोग सेल करते हैं। जैसे ये लेडी पहने हुए हैं। हाय हाय,
यहाँ का एक बहुत ही अच्छा मेरे को लगा कि जो भी आपको गारमेंट्स पहन के आपको ट्रायल करके देखने के बाद पता चलता कि गारमेंट्स में या आउटफिट में हमको कैसा लगेगा, तो उससे पहले ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आउटफिट मुझे देखना है। रिटेल वाले के लिए मैं बता रहा हूँ, होलसेल वाले का तो बस बहुत टाइम रहेगा, वो अपना देख के समझ के रेट को जांच के उसका बाद ही लेंगे। ये जैसे दिखा रहे हैं आउटफिट पहने हुए, ये जैसे सेम आउटफिट। ये हम लोग का सुझाव दिन भी आ गया, बहुत लंबा चौड़ा परचेस करें हम लोग का सुझाव दिन। हमें तो टेंशन आ रहा है कि इतना सामान कैसे जाएगा। ये अभी मैं एक दुकान में आया हूँ, यहाँ पे आपको जींस का बहुत ही यूनिक कलेक्शन मिलेगा, बहुत ही यूनिक मुझे लगा। मैं सोचा अपना भाई लोग को भी दिखाता हूँ, जो लोग मैन्युफैक्चरर है वो लोग थोड़ा देखिए जींस में क्या क्या वैरायटी का, ये लोग मतलब वुमेन्स आउटफिट में देख लीजिए आप। ये जो लेडी पहने हुए हैं उसका सेम वो दिखा रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है इस टाइप का। ये आपका 260 आरएमबी का है, या 160 आरएमबी से आपका 260 आरएमबी तक का है। हाउ मच? ये आपका शॉप का भी दिखा देते हैं, ये आपका ये शॉप का डिटेल्स, और आप ये शॉप का डिटेल भी मैं आपको दे दिया हूँ, अगर आप चाहे तो यहाँ आ सकते हैं। इसका गारमेंट्स मुझे तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगा, यूनिक लगा। ये और एक देखिए, आप यहाँ पे आएंगे तो हमारे बारे में बोलेंगे तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट भी मिलेगा। तो हमारे सब्सक्राइबर के लिए उन्होंने बोला कि स्पेशल डिस्काउंट भी देगा। फ्रेंड्स, वुमेन्स गारमेंट्स का मैं इतना ही दिखा दिया, अभी हम चलते हैं 6th फ्लोर जहाँ पे हमको मेन गारमेंट्स का मिलेगा। तो चलिए अभी चलते हैं 6th फ्लोर, आप लोग को मेन्स गारमेंट भी थोड़ा बहुत दिखा देते हैं भाई बाबा। फ्रेंड्स, अभी हम पहुँच चुके हैं 6th फ्लोर में, जहाँ पे आपको मेन गारमेंट्स मिलेंगे, मेन्स गारमेंट्स होलसेल में रिटेल में जैसे आप चाहें। ये देखिए लेदर गुड्स 100 for 2। ये रिटेल में लोग लगा के रखे 100 for 2। ये सारे 100 का है, क्वालिटी वाइज तो बहुत ही बढ़िया है। ये आपका लेदर गुड्स का बहुत ही यहाँ 2x123 का रिटेल में, लेकिन होलसेल में यहाँ पे हर दुकान में लगभग अभी सेल का लगता है। ये लोग का भी मार्केट थोड़ा बहुत डाउन है, ये लोग हर दुकान रिटेल दे रहे। पहले हम लोग जब आए थे पेंडेमिक से पहले जब आते थे तब हर दुकान रिटेल नहीं देता, खास करके ऊपर का फ्लोर में। यहाँ पे ज़्यादातर होलसेल का ही बढ़िया काम होता था, लेकिन यहाँ देख रहा हूँ हर दुकान में आपका रिटेल भी दे देता है, होलसेल भी है। एक और एक दुकान पूरा सेल लगा के रखा है, लेकिन रेट थोड़ा सा ऊंचा लगा मेरे को। ये थोड़ा सस्ता वाला 50 का भी है, ये सब लाइन से 100। यहाँ 50 का सेल लगा के रखा है। दिस वन हमारे मेन सेक्शन में एक ही फ्लोर है आपका 6th फ्लोर, तो यहाँ पे जो कलेक्शन वगैरह है तो अच्छा है, लेकिन मुझे तो इससे बेटर लगा वो कल्चरल पार्क का जो साइड में जो बना हुआ है, वो मार्केट मुझे और अच्छा लगा। तो अगर आप होलसेल में करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक यहाँ एक वहाँ। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप वहीं पर आओ, वहाँ पर अच्छा आपको ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है क्वालिटी वाइज तो नो डाउट अच्छा है, लेकिन रेट वहाँ से थोड़ा ऊंचा है, और आप बार्गेनिंग भी थोड़ा बहुत हो रहा है वहाँ से जाना।
बाइबा सेंटर का जो बॉयज आपका जो मेन सेक्शन है आप लोगों को दिखाया, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे रेट थोड़ा ऊंचा है, क्वालिटी वाइज तो ठीक ठाक ही है और यहाँ ऑप्शन भी थोड़ा लिमिटेड है। तो आप मेरे हिसाब से तो साहो जो है आपका कल्चरल पार्क का उधर आप वहीं पे जाओ, इसको होलसेल में काम करना है, रिटेल वाला आके थोड़ा मार्केट को एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये देखिए सामने ये हमारा उलूल भाई पैंट खरीद लिया 90 99, बहुत ही बढ़िया पैंट खरीदा उलूल भाई। ये आपका एक दुकान स्पेशली, यहाँ पे आपको प्लस साइज का सब, बिग साइज प्लस साइज का सब मिलेंगे, बड़ा बड़ा एकदम जो जो लोग को लगते हैं। ये टोटल शॉप ही है आपका प्लस साइज का। फ्रेंड्स अगर आप बायमा मार्केट आना चाहो, अभी मैं बायमा मार्केट का आउटसाइड में हूँ, ये आप देख सकते हैं बायमा मार्केट हमारे पीछे, और आपका वहाँ उस तरफ है गोंजाव रेलवे स्टेशन जो मेट्रो स्टेशन, वहाँ से आप मेट्रो से निकलो गोंजाव रेलवे स्टेशन का, वहाँ पे आपको बोर्ड मिलेगा, बोर्ड से आप बायमा देख के निकल के और किसी से भी आप पूछो तो आपको बायमा सेंटर दिखा देगा, जो कि बहुत ही बड़ा मार्केट है और बहुत ही पुराना मार्केट है आपका गोंजाव का होलसेल का, मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट यहीं मिलते हैं। तो आप अगर बायमा आना चाहो तो ये आप हमारा जो बताया हुआ ये डायरेक्शन फॉलो करो, ये अभी बायमा सेंटर के सामने हम हैं। हम अभी अपना बायमा सेंटर का जो ब्लॉग है यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और इसके बारे में अगर कुछ जानना है तो आप ज़रूर हमें लिखें, हम आपको कोशिश करेंगे कि रिप्लाई करें। तो तब तक के लिए गोंजाव का बायमा सेंटर से बाय बाय।